वेलकम वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का उनके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप कुछ ऐसी रेसिपीज़ देख रहे हैं जो बहुत इजी हों, झटपट बन जाती हों, घर के सामान से बन जाएं और फिर भी ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक हों, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो बस जल्दी से मेरे साथ किचन में चलिए और देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ। आज हमारे यहाँ बनने जा रहा है दावतों वाला दानेदार शाही चिकन कोरमा। आप दावतों में खाते हैं ना, बिल्कुल वही चीज़ बनेगी, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी, मज़ेदार बनेगी, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप पूरा इसको देखेंगे ना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही कोरमा बनने वाला है जो आप शादियों में खाते हैं। तो चलिए किचन में अब चल ही पड़ते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है जिसको मैंने प्रिक कर लिया था और अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच छोटे जो है नमक के डाल दिए हैं, अपने हिसाब से डालिए, और 2 चम्मच भर के मैं कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इससे रंगत बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। अब ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा कोरमा मसाला, आपके पास नहीं है तो आगे देखिए मैं आपको बताऊँगी। और 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, उससे फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर जिंजर पेस्ट डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 300 ग्राम के करीब दही। ये ध्यान दीजिए कि आपका दही खट्टा ना हो। और अब मैं यहाँ डाल दूँगी 1/2 चम्मच मैंने तेज़ मिर्ची डाली है, आप चाहें तो ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल 1/2 चम्मच से भी कम मैंने हल्दी डाली है, इससे रंगत बहुत अच्छी आती है। और 2 चम्मच भर के हम डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसको एक ग्रेवी देता है, तो वो आप 2 चम्मच डाल दीजिए। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि आपकी मैरिनेशन इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बबाद मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया डाला है, थोड़ी मैंने 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाल दी थी इसके अंदर। और अब मैं 4 से 6 इसके अंदर इलायची डाल दूंगी, ग्रीन इलायची का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये चक्रफूल है, इसको तोड़ के डाल रही हूँ, आप कूट के भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं पाउडर मसाले डाल रही हूँ, आपके पास साबुत हो तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च ले ली है, 1/2 चम्मच मैंने काली इलायची का पाउडर लिया, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर दालचीनी का पाउडर ले लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर केवड़ा जल 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर नींबू का रस डाल दिया था, और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल के इसको कम से कम 15 मिनट के लिए साइड में रख दिया मैरिनेट होने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोरमा मसाला है। बस आपको करना क्या है, इलायची के बीज निकाल लेने हैं और इसको पीस के पाउडर बनाकर अपने पास रख लें। और यहाँ मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने 4 से 6 इलायची डाल दी हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी अनियंस। ये जो प्याज है 1 किलो में कम से कम 300 ग्राम के करीब चली जाती है, इसको स्लाइजर से स्लाइस कीजिए कि इक्वली इवनली ये कटें। और फिर इसको हाई फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन करना है, इसी प्याज को हम बरिस्ता कहते हैं। और बस गोल्डन फ्राई हो जाए तो इसको रख लें, इसको ओवर फ्राई ना करें। और आपने देखा मैंने इसमें इलायची डाली थी, इलायची कोरमे की प्याज में डालने से जब पिसती है ना तो कोरमे का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। ये एक सीक्रेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब उसी पैन में जो थोड़ा सा तेल बचा था उसमें 2 चम्मच असली घी डाल दीजिए, असली घी से फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं तो कहूँगी असली घी में बनाएं, नहीं तो कोई बात नहीं, जो भी तेल आपके पास है उसमें आप कोरमा बनाएं। अब 2 चम्मच मैंने, जब तेल ज़्यादा गर्म ना हो आप साबुत मसाले डालें, साबुत मसाले कभी भी तेज़ गर्म तेल में ना डालें। तो 2 चम्मच दो मैंने बे लीव्स डाल दिए हैं, 4 से 6 इलायची, 2 मोटी इलायची इसके अंदर डाल दिए हैं, और ये थोड़ी सी जावित्री है जो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसको 2 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा ना करें, ओवर कुक ना करें। और इसमें हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना वो डाल देंगे, और इसको हम तब तक इसमें डालकर भूनेंगे जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए और चिकन अपना पानी ना छोड़ दे। और फिर हम क्या करेंगे, इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे कि आपको जो चिकन है अपने ही पानी में दम हो जाए। और हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1.5 चम्मच मैंने खसखस डाल दिया है, और मैं 4 से 6 इसमें काजू डाल दूंगी, 4 से 6 मैं इसके अंदर बादाम डाल रही हूँ। और इसको मैं तब तक भूनूंगी जब तक हमारी जो खसखस है वो कड़कने ना लगे। और देखिए यहाँ खसखस ने कड़कना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच भर के नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, और बस इसको हम थोड़ा सा भून के रख लेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप काजू और बादाम डाले डालें, आप खाली खसखस के साथ भी इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, चाहें तो नारियल के बुरादे के साथ भी बना सकते हैं, और चाहें तो काजू और बादाम भी डाल दें। और अब हमको क्या करना है, इसका ना एक पेस्ट बना लेना है। और इधर देखिए 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला अपने पैन को, तो कितना बढ़िया हमारा चिकन भुन गया था ना। और ये सीक्रेट मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं बरिस्ता डाल रही हूँ। और मैंने बरिस्ता कैसे बनाया, मैंने जो प्याज फ्राइड थी ना उसको मैंने बिना पानी के मिक्सी के अंदर ब्लेंड कर दिया, तो ये बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैं डाल रही हूँ खसखस और काजू का पेस्ट, उसको मैंने पानी डाल के पेस्ट बनाया है, तो
तो आप ये सीक्रेट को हमेशा याद रखिए कि जब भी आपने प्याज को कोरमे में डालनी है तो बिना पानी डाले उसे मिक्सी में ब्लेंड करें। वैसे तो कहा जाता है कि आप हाथ से भी इसको डाल सकते हैं चूर के, बट वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमने क्या किया उसे मिक्सी के अंदर चला लिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि आपका जो काजू का पेस्ट है और जो आपकी प्याज है वो सब बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और देखिए क्या दानेदार आपका कोरमा अभी से लगने लगा है। ओहो क्या बात है, क्या दाना दाना दिख रहा है ना इसके अंदर, कितना मज़ेदार लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है, आप 1 से 1.5 कप पानी आराम से डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वो इसलिए डाला जाता है कि आपके जितने भी मसाले हैं ना वो एक संग बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ, ब्लेंड हो जाएँ, और फिर आपकी ग्रेवी का मज़ा ही कुछ और होगा। तो देखिए रंगत इतनी बढ़िया आ रही है ना, ये इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि मैं क्या कहूँ। अब इसको 5 मिनट के लिए और हम ढक देंगे कि बस ये बनके तैयार हो जाए। और बस 5 मिनट बाद इसे खोलकर देखेंगे, ओहो मन कर रहा है अभी शीरमाल या रुमाली रोटी के साथ इसको खाया जाए। अब फाइनल टच देते हैं, उसके लिए मैं ये देखिए केवड़ा वाटर मिला रही हूँ इसमें। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी मिला सकते हैं। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े पानी में डाइल्यूट कीजिए 4 से 6 ड्रॉप्स और इसमें डाल दें, पर डालिए ज़रूर, कोरमे का असली टेस्ट जो है ना वो अब आता है। तो ये देखिए अब ये बल्कि बिल्कुल तैयार हो चुका है दानेदार कोरमा हमारा, दावतों वाला लग रहा है ना, वही शादियों वाला कोरमा। तो बस इसकी थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग टच रह गया है जो हम दे देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, धनिया डाल देंगे, धनिया तो इसकी जान है। तो हमने इसके ऊपर डाल दिया धनिया, देखिए रंगत ही बदल जाती है ना धनिया डालने से, कितना सुंदर लगने लगा है। अच्छा और थोड़ा सा ना बरिस्ता आप बचा कर रखिए इस टाइम के लिए, कि जब हम फिनिशिंग करते हैं ना, जब गार्निशिंग करते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा आप ये जो ब्राउन अनियन इसके ऊपर डालेंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में और टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आता है खाने में। और बस थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने कोरमा मसाला मैंने जो आपको बताया था ना, वो जो मैंने कहा था पाउडर बना कर रख लेंगे, तो उसे हम अब डालेंगे। इस टाइम डालने से ना जो साबुत मसालों का जो इलायची वगैरह का फ्लेवर होता है ना वो इसकी अरोमा को और इसकी टेस्ट को 4 गुना कर देता है। तो देखिए क्या वो बढ़िया हमारा कोरमा बन चुका है, इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हाँ क्या बढ़िया लग रहा है ना। तो हाँ मैं कुछ यही कह रही थी आपसे कि देखिए कैसे झटपट हमने शादियों वाला कोरमा फटाफट घर में तैयार कर लिया। मैं तो कहूँगी मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे मुझे ये बनाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा बरिस्ता पहले से बना कर रख सकते हैं, जो आपकी अनियंस हैं आप फ्राई कर रख के इसको जिपलॉक में रख लीजिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चिकन को पहले ही मैरिनेट कर लीजिए, आप चिकन को 15 मिनट से भी मैरिनेट कर सकते हैं और चाहे तो ओवरनाइट भी करके इसको फ्रिज में रख दें जो कि ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो चलिए फिर अगर आपको रेसिपी पसंद आ गई है, बनाने का मन कर रहा है और किचन में पहुँच ही गए बनाने के लिए, तो झटपट इसे बना डालिए बिना टाइम गवाए। और अगर रेसिपी अच्छी बन जाए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें रेसिपी को, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका दानेदार चिकन कोरमा शादियों वाला कैसा बना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी।